अभी मैं होटल छोड़ रहा हूँ सिडरी का, होटल से निकल रहा हूँ, ये लॉबी में हूँ मैं, ठीक है। ये जहाँ से घुसे थे लगेज हम लोग का नीचे आ गया, संतुलन पैलेस है, और यहाँ का एक फीडबैक दे रहा हूँ मैं, रूम सर्विस अच्छा है, क्लीन है, और ऊपर में जो छत में आप लोग मतलब कपड़े मिलने जाओगे तो वहाँ पर डॉगी है या इंसान है कपड़ा खराब कर रहा है। यहाँ पे 2-3 बार हो चुका है मेरे साथ, सुबह सुबह मिला हूँ कपड़ा वॉश करके वो भी गंदा कर दिया, पता नहीं किसने कर रहा है, ये बहुत ड्रॉबैक है होटल का। आप लोग आइए तो संभल के देखिए, कपड़ा वपड़ा संभल के रखिए, सुखाना दे रहा है ऊपर तो खराब कर देगा, कुत्ता या इंसान है पता नहीं चल रहा है। ऊपर सीसीटीवी नहीं है, सीसीटीवी लगाना चाहिए, अगर कुत्ता कर रहा है तो कुत्ता को बांध के लगाना चाहिए। ये होटल का ड्रॉबैक है, आप लोगों को बता देता हूँ, शांतनु पैलेस है, ठीक है। आप लोग देख के आओ यहाँ पे, ये द्वारका में जो होटल है उसका सामने ही है शांतनु पैलेस। ये मैं बोलने पे मतलब मजबूर हो गया हूँ, लेकिन हमको बोलना पड़ रहा है। बाकी सब ठीक है, होटल का सर्विस ठीक है, क्लीन करता है, सब ठीक है, लेकिन कपड़ा खराब हो जाएगा आपका, कॉस्टली कपड़ा है तो साथ में मिल रहा हो तो खराब हो जाएगा। कुत्ता इंसान कोई भी खराब कर रहा है, लेकिन खराब कर रहा है, क्लिप तोड़ दिया मेरे दोटो, एक मत हरा गया, ठीक है। ये दो बार एक्सपीरियंस हुआ मेरा कल से आज तक, बहुत खराब लगा। जो सीधा बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, स्टे विथ मी। अभी जाएंगे बॉम्बे, यहाँ से 10:30 बजे बस है, आप लोगों को दिखाएंगे मतलब पूरा जर्नी। अभी होटल का लॉबी में हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी बस पकड़ना है 10:30 बजे, अभी बज रहा है 10 बजे, ब्रेकफास्ट करना है, फिर बस को जाके पकड़ना है, कहाँ से पकड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बस का पोजीशन कैसा है, कैसे जा रहा हूँ बॉम्बे तक, आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे, स्टे विथ मी, साथ में रहिए, ठीक है। ये शांतनु पैलेस है होटल, ठीक है, चलिए जा रहा हूँ। वीडियो साईं बाबा का भक्त है सिडी का जी, आप लोग यहीं पे रहते हो ना, ओम साई राम। तो अभी होटल में था हम लोग आज छोड़ के जा रहे हैं, तो दादा लोग ओम साई राम, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, मोटा मोटी ठीक था, बाबा का दर्शन करने में एकदम 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 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ये मेरा हम लोग को ऑटो मिल गया, अभी जाना है हम लोगों को। ये दादा कहाँ जाना है, कौन सा टेम्पल है? मालूम है, खंडवा टेम्पल है, बस वहीं पे आने वाला है हम लोगों का, खंडवा टेम्पल जा रहा है, अभी ऑटो में चढ़ रहा है, चलो 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 चलो। ये बस का भी नंबर नहीं लगा है, यहाँ पे ट्रैवल का ऑफिस है तो नंबर एक बार ले लेते हैं बस का। दादा नंबर दे दिया, हाँ लिख दो ना नंबर, ये बस का नंबर लिखना है, अभी खंडवा टेम्पल जाना है, वहाँ से बस छोड़ेगी हम लोगों का। 3823 शिवा बस का नाम है, मुंबई का सफर शुरू होता है यहाँ से, जा रहे हैं अभी बस पकड़ने मुंबई के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी खंडवा टेम्पल के सामने पहुंच गया, वो जहाँ पे बस का हम लोगों का टर्मिनल था, जहाँ पे खड़ा होने बोले थे, यहाँ पे लिखा हुआ था खंडवा टेम्पल स्लिप में, तो आ गया, ऑटो वाला छोड़ दिया है दादा ने, तो बस वाला को मतलब बस को भी फ़ोन किया जो इंचार्ज है, तो बोल रहे बस अभी आ रहा है, ठीक है, फ़ोन कर दिया, तो बस अभी पहुँचेगा, फिर बस में चढ़ेंगे, फिर बॉम्बे के लिए रवाना होंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। अभी 10:30 का टाइम है, अभी हो रहा है 10:15, टाइम अभी बाकी है 15 मिनट, तो लग रहा टाइम में आ जाएगा, तो चलिए चलिए आप लोग आगे दिखाते हैं, स्टे विथ मी। अभी ब्रेकफास्ट हम लोगों का नहीं हुआ, ठीक है, करने का टाइम नहीं मिला है, सुबह सुबह थोड़ा हड़बड़ी में था, कुछ खा लेंगे हम लोग, ब्रेकफास्ट कर लेंगे, ठीक है, चलिए साथ में रहिए। ये खंडवा टेम्पल के सामने जब खड़े ही है तो आप लोगों का खंडवा टेम्पल दिखा देता है एक बार, ठीक है। ये भी देख लीजिए, मेरा मैं शू पहना हूँ, अंदर जा नहीं पाऊँगा क्योंकि रेडी होकर निकला हूँ। ये खंडवा टेम्पल है, ये भी बहुत मतलब फेमस एक मंदिर है, ये खंडवा टेम्पल। यहीं पे रुका हुआ हूँ बस के लिए, ठहरा हूँ, तो रास्ते के ऊपर है मेन रोड, ये है सिटी का, ये हाईवे है, मेन रोड है पूरा, ठीक है। तो चलिए वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता हूँ, मेरे बीबी खड़ी है वहाँ पे लगेज लेके,
तो पास आते हैं तो आप लोगों से फीडबैक देता है कैसा बात है, क्या नहीं है, क्या सीट मिला है, ठीक है। चलिए स्टे विद मी। ये हम लोगों का पास आ गया 3823 शिवा, ठीक है। ये हम लोगों का पास है तो जाएंगे मुंबई। तो ये बेंच, ये बस है पूरा हम लोगों का। तो लगेज यहाँ पे घुसेगा अभी अंदर में। ये दो बैग पैक हो गया हम लोगों का, यहाँ पे कम हो गया। ये टिकट यहाँ पे सबमिट हो गया, ठीक है। तो चलिए 1516 हम लोगों का तीसरा लोअर। हाँ, ये नीचे वाला है हम लोगों का है, ठीक है। ये लोअर सीट, ये ऊपर में दो सीट है, यहाँ पे सिंगल सीट अपर लोअर, यहाँ पे डबल सीट अपर लोअर, जैसे हम लोगों को मिला है। ये हम लोगों का सीट है, तो बीवी बैठ गई है। ये पूरा बस है, कीर्ति कोच विसारा लिखा हुआ है, देखिए पूरा बस खाली है, अभी चढ़ते रहेगा सब पैसेंजर, ठीक है। तो चलिए, एसी है पूरा, एसी वेंट है। मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा, उसके बाद ऊपर आता हूँ। तो अभी टाइम हो गया 10:35 हो गया, जल्दी सोने जा रहा है, बस अभी तक खड़ा है। 10:30 का टाइम था, ठीक है, 10 मिनट इधर उधर होता ही है। ये गेट है, ये पूरा कैबिन है बस का। दादा अंदरी ईस्ट छोड़ने का बात था, अंदरी ईस्ट बोल दिया था, हो जाएगा ना। तो रेलवे ईस्ट हम लोग को जाना है, होटल वहाँ पर है, तो लेकिन इन लोग छोड़ेगा रेलवे ईस्ट का स्टेशन के सामने नहीं, थोड़ा दूर छोड़ेगा। जैसे हम लोग होटल से यहाँ तक आए उतना दूर छोड़ेगा, तो हम लोग को चल के आना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और ये केबिन है बस का, दादा साहब हेलो, ये दादा लेके जाएंगे। ये बस का रिव्यू आप लोग को दे देता हूँ, ये शिवा बस है, बस का पूरा रिव्यू देने के लिए उतरा हूँ मैं। ये बस का नंबर है 3823 हम लोग का बस है ये, ठीक है। तो चलिए अभी जाके अंदर बैठता हूँ शांति से, क्योंकि बाहर बहुत गर्म है। अंदर इसमें जाकर बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, कुछ खाना पीना करेंगे बाद में। सुबह से कुछ खाए नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। तो चलिए सब शुरू करते हैं, आप लोगों को स्टे विथ मी, साथ में रहिए, आप लोगों को दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, ठीक है। तो अभी आधा घंटा टाइम यहाँ पे बस रुकेगी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोल रहा है, उल्टा साइड में होटल रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा हूँ। एक बजे वहाँ पे बस रुकेगी लंच के लिए, तो वहीं पे डायरेक्ट लंच करेंगे। तो दादा बोल रहा है 1 बजे बस रुक जाएगा। तो अभी 10:30 हो गया, हम लोग साथ में कुछ स्नैक्स खा कर चला लेंगे, तो 1 बजे लंच कर लेंगे बाहर, ठीक है। चलिए अंदर चल के बैठते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो अभी बेड पे आ गए, वो देखिए सीट पे, तो ये बेड ही है एक्चुअली, सीट है, बेड है, सीट कम बेड है। तो चलिए 6 घंटे का जर्नी है यहाँ से मुंबई अंदर ईस्ट। तो चलिए सो खोल के आराम से बैठते हैं, अभी कर्टन है, कर्टन भी हटा सकते हैं, बाहर का दृश्य देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बैठते हैं आराम से। बस छोड़ चुकी है सिटी से, ठीक है, अभी बज रहा है 11:30 टाइम था, लेकिन 11:15 छोड़ चुकी है। मैं दूसरा कॉल पे था, इसलिए वीडियो कर नहीं पाया टाइम से। तो अभी हम लोग दोनों आराम से बैठे हैं ऐसे में कोच में। ये देखिए बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सिडी अभी भी सिडी में है, क्रॉस कर रहा है, हाईवे है सिडी का। ये देखिए सिडी का जो रहने का जगह है, मंदिर का जो ट्रस्ट का जो जगह है, ये जो सब रूम देख रहा है, ये सामने बोर्ड लगा है साई आश्रम, आप लोग यहाँ पे रह सकते हो। 200 रुपया शायद रेंट लेता है इन लोग रूम का चार्ज, तो बहुत ही अच्छा है, चीप एंड बेस्ट है, सब कुछ फैसिलिटी यहाँ पे। इंडियन कोमोट है, इंग्लिश भी है, सब कुछ है। और आप लोगों को बोर्ड आके दिखा देता हूँ, गेट सामने है, ठीक है। यहाँ से ऑटो स्टैंड है, सामने ऑटो भी मिल जाएगा मंदिर जाने के लिए, लेकिन मंदिर से 10-15 मिनट का दूरी में है ये, ठीक है। और यहाँ से ऐसे साईं बाबा का ट्रस्ट का 3-4 यहाँ पे है रहने का जगह, तो पहले से बुकिंग करना पड़ता है ऑनलाइन में। कैसे इंडियन टॉयलेट लोगों, इंग्लिश लोगों, क्या क्या रूम फैसिलिटी चाहिए, कितना बेड चाहिए, कितना रूम चाहिए, ये पहले से आप लोगों को ऑनलाइन में करना पड़ता। तो हम लोग भी ट्राई किया था, लेकिन मिला नहीं, क्योंकि हम लोग को देर हो गया था, तो हम लोग को मिला नहीं, तो यहाँ पे आके स्पॉट बुकिंग करना पड़ा। तो अगली बार जब आएंगे तो आगे से बुक करके आएंगे। तो अचानक आ गया हम लोग, झट से प्रोग्राम सेट किया, तो उतना जल्दी मिलेगा नहीं, तो नहीं मिला, अगले बार कोशिश करेंगे यहाँ पर रहने के लिए। ये देखिए गेट है साई आश्रम भक्त निवास का, ये देखिए बाबा का मंदिर, बस से आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये मंदिर जा रहा है।
हम लोग थोड़ा बहुत स्नैक्स खा रहा है घर से, वहाँ से कलकत्ता से लेके आए थे मूंग दाल हल्दीराम का, और ये बावन बिस्किट चिप्स ये सब खा रहा हूँ। खा के अभी टाइम पास कर रहा हूँ, एक डेढ़ बजे लंच करेंगे, ठीक है। सुबह से कुछ खाया नहीं, मैं सनग्लास पहन लिया हूँ क्योंकि मेरा आँख का जो इन्फेक्शन हुआ था अभी तक ठीक नहीं हुआ है, आने का टाइम हुआ था डस्ट में, तो थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, धूप बाहर से आ रहा है। 12:15 हो गया, लेकिन बस अभी सिटी से निकला ही नहीं, 10:30 बजे 10:45 में यहाँ पे, यहाँ से सिटी से हम लोग जहाँ से पिकअप किया थे वहाँ से बात छोड़ा है, तो मुंबई 6 घंटे लग रहा है, लगेगा बोल रहा है, तो लग रहा है हम लोगों को लेट हो जाएगा। ये बस अभी सिटी से निकल के हाईवे पे आ गया है। अभी हम लोग पहुंच गए नासिक, अभी टाइम हो रहा है 1:30। ये नासिक सिटी है, देखिए नासिक में गाड़ी रुक गया लंच करने के लिए, तो 15 मिनट का टाइम दे रहा है, तो अभी 1:40 होने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए लंच करके आते, देखते कहाँ पे इन लोग होटल देता है, कहाँ पे खड़ा किया है, क्या लंच मिलता है, ठीक है, सब कुछ देते रहेंगे अपडेट, स्टे विद मी। लंच बाद में करेंगे, वो और कोई जगह में मतलब बस को खड़ा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टॉयलेट और नाश्ता करने के लिए रुका है, तो देखते हैं क्या नाश्ता मिलता है। ये यहाँ पे बहुत धूप है, लेकिन छाता लाना भूल गया, बस में छोड़ के आ गया हड़बड़ी में, तो 15 मिनट का टाइम दिया है, ठीक है, तो टाइम शॉर्टेज रहता है, धूप बहुत है यहाँ पे, ठीक है। ये टॉयलेट है, इसका पेन यूज है ना, पेन यूज है, कितना टॉयलेट का जेंट्स, हाँ फ्री है, लेडीज का 5 रुपया, और यहाँ पे जेंट्स टॉयलेट फ्री है और लेडीज का 5 रुपया लग रहा है। यहाँ पे लेडीज टॉयलेट 5 रुपया करके ले रहा है, लेकिन अंदर से मेरे बीबी गए बोले कोमोट करना है एकदम, तो इन लोगों को मेंटेन करना चाहिए, 5 रुपया कम नहीं होता 1% के लिए। ये देखिए ये अंदर साफ नहीं है, लेकिन इन लोग बात कर रहा है कि अंदर साफ है, ये बाहर दिखा रहा है हम लोगों साफ, ये देखिए साफ तो हम लोगों को दिख रहा है पूरा, इन लोग जहाँ पे खड़ा है लेकिन अंदर गंदा है, इन लोग मान नहीं रहा है, बात कर रहा है 5 रुपया करके ले रहा है। आप बोलो, ये फ्रूट है, कलिंगड़ है, ठंडा की क्या क्या मिलेगा, तरबूज और कुछ नहीं, नहीं रही थी, आज नहीं है अपने पास। अच्छा ये कटा हुआ रहता है, काट के नहीं देते, काट के नहीं देते, कटा हुआ रहता है, नहीं नहीं वो तो फूल रहता है, नहीं नहीं मतलब काट के दे दोगे ना। अच्छा रुक, ये पटाटा बड़ा यहाँ पे मिल रहा है, आलू का बड़ा, तो ये ले ले रहा है, अच्छा लगेगा अभी खाने में, और ये बड़ा हो रहा है गरम गरम दे रहा है। ये बड़ा पाव मुंबई का, महाराष्ट्र का सबसे फेमस चीज़ है। ये 2 आलू का बड़ा ले रहा है 40 रुपया, 40 रुपीस। ये हम लोगों का पास यहाँ पे खड़ा है, फटाफट तरबूज दे दीजिए, एक प्लेट तरबूज काट के दे दीजिए, ये लीजिए पैसा ले लीजिए, एक प्लेट तरबूज का ले रहा है 20 रुपया, पकड़ो पकड़ो ये दे दिया है। चलिए बस में चढ़ते हैं, बस में चढ़ के खाना है। ये है मुंबई का फेमस बड़ा पाव, अभी हम लोग खाएंगे एक एक करके, फिर फ्रूट लेंगे, तो चलिए खाते हैं, देखते कैसा है। ये है, ये बड़ा पाव हो गया, ठीक है, अच्छा टेस्ट है। बस भी नसीब छोड़ चुकी है, अभी जाके रुकेगी लंच के लिए, हाँ तो तभी आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ रुक रहा है, कौन सा जगह है, कौन सा होटल में जा रहा है, क्या क्या खाना मिल रहा है, सब कुछ, ठीक है। चलिए स्टे विथ मी, खाना खा लेते हैं बाद बाद। ये अभी तरबूज खा रहा है बड़ा पाव का बाद, ये तरबूज ऐसे यहाँ पे प्लेट नहीं है, पॉलिथीन में दे देता है, और ये टूथपिक देता है। हम लोग का पास का केबिन है, देखिए ये कार्टन है, बाहर का सिनारी दिख रहा है। ये 2 पिलो है हम लोगों का, और यहाँ पे एसी का कंट्रोल करने के लिए एसी वेंट है, ठीक है, ये खोल से ओपन हो सक, ये क्लोज कीजिए ओपन कीजिए, नहीं चाहिए तो बंद कर दीजिए, और चाहिए तो खोल के रखिए। ये रोटेशन भी होता है, ऐसे घूमता भी है, और सामने शू सेल्फ है शू रखने के लिए, वो दोनों शू हम लोग का रखा हुआ, क्योंकि इधर रास्ता है
बस का अंदर का इधर उधर जाने के लिए बीच का जो रास्ता रहता है इसमें रखेंगे तो कोई मार के लेके चल जाएगा पैर से, इसीलिए शू सेल्फ देख के रखा, यहाँ पे शू चढ़ा दिया हम लोगों दोनों का। हम लोग मेरा बैग है ठीक है, आराम से बैठा हुआ, गेट बहुत लंबा चौड़ा है। तो जिन लोग चैनल पे मेरा नया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए, तो हम लोगों को इंस्पायर, हम लोग इंस्पायर होते रहते हैं आप लोगों के, आप लोगों का एक एक लाइक में, एक एक कमेंट्स में, एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ठीक है। तो चलिए आगे दिखाते हैं हम लोग स्टे। अभी गाड़ी रुका है लंच के लिए, तो अभी पास कर रहा हूँ लंच के लिए। ये रुका है बस यहाँ पे, ये होटल है, लंच करना है। तो चलिए होटल में देखते हैं क्या खाना मिलता है। भूख भी लग गया जोर से। तो यहाँ सब नॉनवेज ही है, सिटी में जैसा फ्रेश था यहाँ पे नॉनवेज है, कुछ भी मिल सकता है। यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ पे हवा मिलेगा, ऊपर पंखा है ठीक है। तो चलिए बैठते देखते क्या क्या मिलता है यहाँ पे, खाना खाना है, लंच करना है, आपको दिखा दे सकते। तो यहाँ पे हम लोग चिकन करी एक प्लेट और राइस ऑर्डर किया हूँ, और बाकी सब खाना समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर ठीक है। तो देखते कैसा बनाता है चिकन, कैसा खाना है यहाँ पे, आप लोगों को फीडबैक देता हूँ ठीक है। चलिए टेबल पे ये चिकन करी दे दिया, ये राइस दे दिया, चावल अच्छा दिया लग रहा है, और चिकन कैसा है आप लोगों को बताते हैं खा के ठीक है। एक बाटी डाल ले रहा हूँ क्योंकि चिकन का जो करी बना है हमको ठीक सुविधा नहीं लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा रीच होगा, मैं ज़्यादा रीच खाता नहीं हूँ, इसलिए डाल से थोड़ा देखे, थोड़ा चिकन करी देखे मैं भात को राइस खा लूँगा ठीक है। ये दाल मेरा आ गया, खाना यहाँ पर ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, चिकन बहुत हार्ड है, स्टीफ है और समझ में नहीं आया चिकन का जो करी दिया, समझ में नहीं आया। दाल थोड़ा बहुत अच्छा था लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। भूख लग गया, खाना था खा लिया, चिकन बहुत स्टीफ है यहाँ ठीक है। तो चलिए आगे मिलते बता दें कितना क्या प्राइस ले रहा है इसका। यहाँ का खाना हो गया, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं लगा खाना, चिकन बेकार है, आप लोग वहाँ पर ही बताया अभी बता रहा हूँ। तो दाल से खाना खाना पड़ा और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो चलिए चलते बस में चढ़ते आगे चलते मुंबई के लिए, तो स्टे विद मी आगे मिलते हैं ठीक है। तो बस का अंदर आ चुका हूँ, अभी डायरेक्ट मुंबई, 4 घंटा लगेगा यहाँ से, अभी बज रहा है 4:15, तो यहाँ से 4 घंटा पकड़ के चलिए ठीक है। तो चलिए अभी सीट में बैठते आराम से बैठ के बात करते हैं। तो तभी होटल में बताना भूल गया था खाना खा के, वो एकदम चिकन करी, एक दाल और एक राइस लेके और एक कोल्ड ड्रिंक्स सब कुछ मिला के बिल किया 415 रुपया, लेकिन एकदम घटिया खाना था। एक दाल का जो बॉट दिया है, जो दाल का बाटी दिया है उसका प्राइस दिया है 100 रुपीज़, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था। और पूरा ओवरऑल जो प्राइस था खाने का एकदम एक्सेस था। 415 में बहुत अच्छा खाना मिलता है कोलकाता में, आप लोगों का अच्छे अच्छे जगह में, तो यहाँ पे एकदम घटिया खाना मिला है। खाने का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा यहाँ पे ठीक है। तो अभी पास में आराम से सोया हुआ हूँ, जैसा भी खाना हो तो रेस्ट ले रहा हूँ अभी ठीक है। बाहर बहुत गर्म है और दिखा रहा है यहाँ पे, और 6:55 14 किलोमीटर है ठीक है। ये GPS ऑन है, ये मुंबई घुस चुका है। तो हम लोग का अंदर ईस्ट आ रहा है, बस उतरना है ठीक है, उतर के बात करते हैं फिर आप लोग, लगेज उतरना है ठीक है, फिर उतर के आप लोगों से मिलते हैं ठीक है। स्टे विद मी। ये अभी मुंबई पहुंच गए, अभी टाइम हो रहा है 7:05 ठीक है। अभी बस से यहाँ पे उतर गए अंदर ईस्ट में, अभी जाना है हम लोगों को रेलवे स्टेशन का पास, होटल मिड टाउन ठीक है। ये मेरा बहुत दिन का इच्छा था मुंबई में, ये मेरा सपना पूरा हो गया,
तो कल से मुंबई का टूर निकलेंगे, तो आज जाएंगे होटल में। सॉरी, हम लोग का होटल अंधेरी वेस्ट में है, मिड टाउन। तो यहाँ से ऑटो पकड़ना है, पकड़ के जाना है, क्योंकि वहाँ पे होटल हम लोगों का बुकिंग है, तो दादा को बोल के भी रखा है। तो चलिए ऑटो पकड़ते हैं यहाँ से, तो होटल में जाते हैं। ये ऑटो जा रहा है हम लोग का साथ छोड़ने के लिए होटल के, ठीक है। तो चलिए ये लगेज है, दम करते हैं। ये ऑटो यहाँ से बोल रहा 300 होटल तक छोड़ देगा, मिड टाउन। अभी हम लोग ऑटो में बैठ गए, ठीक है। अभी जाना है होटल मिड टाउन, ये जा रहा है। दादा बोला घूम के जाएगा, तो रास्ता भी देख लेते, एक बार रिकॉर्डिंग कर लेते हम कौन कौन सा रास्ता जा रहा है। बीच पूरा जाम है। हाँ, ये अंधेरी वेस्ट पहुंच गए हम लोग। अभी ये क्रॉसिंग में खड़ा है, ठीक है। ये मेरा होटल आ गया। ये मिड टाउन होटल एंट्री हो गया हम लोग, सभी ऑटो से उतरना है। चलो, तो ये होटल मिड टाउन पहुँच गया है। ये गेट है मिड टाउन का, ये होटल मिड टाउन है, ठीक है। ये होटल मिड टाउन सेकंड फ्लोर पे है। ये सेकंड फ्लोर है। ये दे दिया होटल से, फिल करके देना है, आईडी कार्ड देना है, ठीक है। ये होटल का कार्ड है, रिसेप्शन है दादा का। तो अभी होटल का रूम में जाएंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मेरा दादा आता है, अशोक बोधो, कोलकाता से म्यूजिशियन। तो दादा ने रेफर किया है यहाँ पे आने के लिए। चलिए फिर चलते हैं रूम पे। हाँ, ये रूम नंबर 301 है। ये रूम दे दिया, एसी है और मिरर है, टीवी है। एसी चालू होगा? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके 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 ओके। अच्छा, टॉयलेट इस तरफ ना, देख लेता हूँ एक बार टॉयलेट। ये टॉयलेट है, बहुत ही अच्छा है। ये कोमोड है, बेसिन है, मिरर है, बाल्टी है, एकदम साफ सुथरा, बहुत ही अच्छा। ये कपड़ा टंगने का जगह है, बहुत अच्छा है, पसंद आया दादा, होटल अच्छा है। तो अशोक दादा जो है हम लोग जहाँ पहचानते हैं, हम 17 साल से हैं। अच्छा, नहीं अच्छा, आपको ही फोन किया था मैं, आपको फोन लगा दिया था, एक नंबर दिया था, किसको लगा था? रूम सर्विस का, हाँ वेटर, रूम सर्विस का किसी का नंबर दे दिया था, मोबाइल में फोन किया था। वो दादा ने बोला कि इस नंबर पे फोन कीजिए रिसेप्शन में। हाँ, आपको बता रहा हूँ, फिर मेरा हिस्सा से भी यहाँ पे। तो दादा ने, अशोक दा जो मेरा दादा जो आता है, तो 17 साल से दादा का साथ है यहाँ पे होटल में, 17 इयर्स। तो अच्छा है दादा, आपका नाम? कुमार। कुमार, कुमार दा, अभी फोन लगाएंगे हम। और दादा आपका नाम है? प्रीतम महतो ना। अच्छा, मेरा दो नाम है, अशोक दास। अच्छा, जानते हैं अशोक बचरे जो है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, उनको अच्छे जानते हैं। अच्छा 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 अच्छा, खाली उनको बोलिएगा खाली कुमार, समझ जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, अभी फोन लगाएंगे, बात करवा देंगे, बात कीजिएगा। अच्छा, अभी पहुंच गए हैं, तो दादा को पहचानते हैं इन सब। होटल का रूम बहुत अच्छा है, यहाँ पे एसी है, ठीक है, और बेड भी अच्छा है, एकदम साफ सुथरा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी फ्रेश होना है, फिर जू बीच, यहाँ पे यहाँ से जू बीच कितना देर है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर ना, ऑटो मिल जाएगा? ऑटो मिल जाएगी से। अच्छा ठीक है, अभी जू बीच जाना है फ्रेश होके, दादा लोग तो हेल्प कर देंगे हम लोगों को, ठीक है। तो अच्छा लगा दादा, बैठ करके नीचे आ रहा हूँ, ये फिलअप करा दे देंगे, ठीक है। तो स्टे विद मी, एकदम 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 एकदम, बहुत अच्छा लगा आके, यहाँ के एनवायरमेंट बहुत अच्छा है। तो अभी जाके निकलेंगे, जू बीच जाएंगे, ठीक है। वो दादा को भी फोन करना है कि पहुंच गया है, तो अच्छा लगा रूम पे आके। बॉम्बे, मुंबई आ गया, मेरा सपनों का सिटी था, सिटी है, सबका होता है, मेरा मतलब मेरा भी है, तो मेरा ड्रीम सिटी है। तो देखते क्या होता है, साईं बाबा को पूजा देके आए यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं, स्टे विथ मी, फ्रेश होके निकलते हैं। और यहाँ पे पानी का जगह है, पानी देके चला गया, ठीक है, ये पॉट में। और ठंडा पानी, गर्म पानी जैसा चाहे वैसा ही दे देंगे। यहाँ पे कपड़ा रखने का एक कवर्ड है, ये हुक हैंगर है यहाँ पे,
ठीक है। और सबसे बड़ा बात ये देखिए, ये देखिए बाहर में पूरा मार्केट है एकदम, आपको यहाँ से बैठ के सब कुछ देखने मिलेगा रास्ता पूरा मार्केट। और वो सामने है अंधेरी वेस्ट का स्टेशन, रेलवे स्टेशन वो दिख रहा है सामने, अंधेरी का वो जो लाल बत्ती जल रहा है वो स्टेशन है। और ये पूरा मार्केट है, आप यहाँ से पूरा व्यू ले सकते हैं पूरा। और दादा से भी मेरा बात हो गया, जो इंडस्ट्री का दादा है, मुंबई पे आता है फिल्म का मतलब काम पे, म्यूजिक डायरेक्टर है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग करता है, शान को लेके, सोनू निगम, उदित नारायण, कुमार सानू सबको लेकर रिकॉर्डिंग करता है, बहुत दिन का जान पहचान है। आप लोगों को सरप्राइज देने वाला था, यही सरप्राइज है कि पहला बार मैं मुंबई पे आ रहा हूँ, वो भी इंडस्ट्री का रेफरेंस में, और इंडस्ट्री में भी जाएंगे वो भी आप लोगों का रेफरेंस से स्टूडियो में लेके जाएंगे धीरे धीरे। स्टे विथ मी, साथ में रहिए, आप लोगों को सब कुछ सरप्राइज देते रहेंगे, ठीक है। मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ कोलकाता में, बंगाली में, तो मुंबई पे भी मेरा इच्छा है काम करने का छोटा मोटा, अगर बाबा साईं बाबा आशीर्वाद होगा तो देखते हैं। तो यात्रा मेरा शुभ रहा, मुंबई आ गया, अच्छा होटल मिल गया, अच्छा दादा लोग सब मिल गए, ठीक है, और क्या चाहिए, साईं बाबा का आशीर्वाद है, ओम साई राम। चलिए चलते आगे, स्टे विथ मी, जा रहे हैं जो भी, अभी थोड़ा निकल रहे हैं, अभी हो रहा है 8:30, बस थोड़ी देर पहले ही पहुँचा हम लोग, तो थोड़ा जाके आते हैं, थोड़ा कुछ खाना वाना खाना, एक बार डिनर करके आएंगे घर में रूम पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में, जो भी जाके मिलते हैं, ठीक है, स्टे विथ मी। होटल से निकल गया हूँ, अभी ये सामने मेन रोड है तो उस पर जाना है, उस पर जाके रिक्शा पकड़ना है जुहू बीच के लिए, ठीक है, 10-15 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ से मिल जाएगा ऑटो, रिक्शा पकड़ लेंगे तो जुहू बीच चल जाएंगे, ठीक है ना। जुहू बीच जाना है, जुहू बीच बैठो, ये मीटर में अभी ऑन हो जाएगा जुहू बीच के लिए, देखते हैं कितना मीटर होता है। ये ऑन हो गया, मुंबई का सिस्टम है ये। चलिए हम लोग रवाना हो गए अभी जुहू बीच के लिए, ऑटो में बैठ गए, दादा लेके जा रहे हैं, ठीक है, और मीटर चालू कर दिया, देखते कितना होता है मीटर। ये अभी ऑटो से उतर गए हूँ, ठीक है, और ये सामने जुहू बीच का रास्ता है, ये सीधा जाएंगे, ये बस गाड़ी यहाँ तक आप लोग छोड़ देती है। ये सामने जुहू बीच आ रहा है, ये देखिए सामने जुहू बीच है, आवाज़ मार रहा है, ठीक है, तो चलिए आप लोगों को दिखाते बीच का रास्ता जा रहा है, सब जा रहा है, देखिए अभी बज रहा है 9 बज रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं है, देखिए कितना आदमी बैठा है यहाँ पे, यहाँ पे सारा रात यहाँ पे भीड़ रहता है बीच में। पहला दिन का बॉम्बे में आके जुहू बीच पे आ गया, सबसे फेमस जगह है, ठीक है, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। ये भुट्टे का स्टॉल है यहाँ पे, तो यहाँ पे से भुट्टे ले रहा हूँ। जुहू बीच हम लोग थोड़ा बहुत घूम लिए, जहाँ से उतरे थे वहीं के, वहाँ का सामना सामनी है, हम लोग सामने ही है, क्योंकि रात हो चुका है, जाके डिनर भी करना है हम लोगों को होटल में, होटल देखना है कहाँ पे डिनर अच्छा मिलेगा, फिर होटल में जाकर रेस्ट करना है, कल सुबह सुबह निकलना है, ठीक है। तो कल अगर संभव होगा तो शाम को आएंगे जुहू बीच का, शाम को आने पे आने का अलग ही एक मतलब मज़ा है, लेकिन आज बहुत मतलब लेट हो गया, रात भी हो गया, तो चलिए देखते कुछ देर रह के यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, स्टे विथ मी। तो अभी बीच छोड़ कर जा रहा हूँ, ठीक है, कल हो सके तो आ जाएंगे, देखते टाइम मिलता कि नहीं, तो अभी जाके ऑटो पकड़ के जहाँ से उतरे थे वहाँ से ऑटो पकड़ के होटल के पास चल जाएंगे, वहाँ पे खाना खाना है, डिनर करना है, फिर सुबह निकलना है, बहुत काम है कल, इधर उधर जाना है, तो चलिए चलते ऑटो पकड़ते, पकड़ के होटल चलते। तो जहाँ से भुट्टा लिया था आंटी से बाय बाय कर दिया, बहुत अच्छी है मुझसे बात कर रही थी, तो चलिए ऑटो पकड़ के चलते हैं सीधा होटल, हाँ, स्टे विथ मी। तो ये ऑटो मिल गया, चलो बैठो। अभी हम लोग को डिनर करना है, यहाँ पे होटल देखना है कहाँ पे खाना मिलेगा अच्छा, ठीक है, तो देखते हैं, चलिए। ये मोती महल है होटल, रेस्टोरेंट देख के लग रहा है अच्छा ही है, खाना अच्छा ही होगा, पहला बार है लोगों का खाना ही आगे,
डिनर करा रहे हैं, तो देखते हैं क्या ऑर्डर देते हैं, कैसा खाना है आप लोगों से बताएंगे, ठीक है, स्टे विद मी। तो हम लोग मेनू डिसाइड किया है चिकन रेस्पी टिक्का मसाला और तंदूरी रोटी, ठीक है। तो लेके देखते हैं, एक प्लेट में चिकन टिक्का मसाला 4 पीस दे देगा, एक प्लेट में हम दोनों का हो जाएगा, और 3 तंदूरी रोटी पहले लेते हैं, उसके बाद ले लेंगे और रोटी लगेगा, ठीक है। ये तंदूरी रोटी आ गया है, चिकन टिक्का मसाला ये सर्व हो गया है, ये भी खाने में शुरू कर दिया, भूख लग गया। ये सलाद है, अभी खा के बताएंगे टेस्ट कैसा है, ठीक है। टेस्ट अच्छा है खाने का, ठीक है। खाना यहाँ पे हो गया डिनर, अच्छा था खाना, टेस्ट अच्छा है, ठीक है, पहला बार खा रहा हूँ। 10:35 तो चलिए अंदर चलते। रूम पे आ गए, ठीक है, थोड़ा रेस्ट लेना है, फ्रेश होना है, रेस्ट लेना है, थकान है, सुबह से बस का जर्नी कर रहा हूँ, सुबह निकला हूँ, तो बस आज के लिए इतना ही, कल सुबह निकलते आप लोगों को दिखाएंगे। आज बॉम्बे पहुँच गया हूँ, बॉम्बे का फर्स्ट डे है आज, ठीक है। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड जय हिंद। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick